प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश शब्द जो बने रहते हैं। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह 34:1 यिर्मयाह अध्याय 34:1 19वीं शताब्दी के आरंभ में थॉमस कार्लाइल ने दर्शन शास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल को समीक्षा करने के लिए हस्तलेख दी। किसी प्रकार चाहे धोखे से या जानबूझकर हस्तलेख आग में गिर गया। यह कार्लाइल की एकलौती प्रति थी। अविचलित वह खोए हुए अध्यायों को फिर से लिखने लगे। महज आग उसकी कहानी को रोक नहीं सकती थी जो उनके मस्तिष्क में अक्षुण्ण थी। बड़ी हानि के भीतर से कार्लाइल ने अपना स्मारकीय लेखन द फ्रेंच रेवोल्यूशन उत्पादित किया। प्राचीन यहूदा के पंतोमुख राज के गिरावट के दिनों में परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहा, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे कहे हैं सबको उसमें लिख। यिर्मयाह अध्याय 34:2 संदेश में निकट आक्रमण से बचने के लिए अपने लोगों को पश्चाताप करने का आह्वान करते हुए परमेश्वर के कोमल हृदय को प्रकट किया गया था। 3 यिर्मयाह ने वही किया जो उससे बोला गया था। पांडुलिपि शीघ्र ही यहूदा के राजा यहोयाकिम के पास पहुंच गया, जिसने उसे क्रमबद्ध रूप से टुकड़े टुकड़े करके आग में फेंक दिया। 23-25 तक राजा के आग लगाने के अपराध के इस कृत्य ने मामले को और बदतर बना दिया। परमेश्वर ने यिर्मयाह से उसी संदेश का एक और हस्तलिपि बनाने को कहा। उसने कहा, यहोयाकिम का कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। 30 आग में फेंकने के द्वारा परमेश्वर के वचन का जलाना संभव है लेकिन बिल्कुल व्यर्थ। शब्दों के पीछे शब्द या वचन सर्वदा तक स्थिर हैं। किस कारण ने मुझे या दूसरों को जिन्हें मैं जानता हूँ परमेश्वर के वचनों को अनदेखा करने के लिए विवश किया है? जो उसने मुझे हिदायत दी है उसके प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता से उसका अनुसरण करना मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हे पिता, आपके वचनों को खास मानने में मेरी मदद कर, यद्यपि वे सुनने में कठिन हैं। मुझे पश्चाताप का मन दे, अवज्ञा का नहीं। लेखक टिम गुस्टफसन। 13 अक्टूबर 2021। धन्यवाद।